मोहतरम ख्वातीन और हजरात, आपका इस्तकबाल पाकिस्तान हाउस में। आज के प्रोग्राम के लिए हम शुरुआत करने वाले हैं। आज का ये प्रोग्राम साउथ एशियन लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से है और ख़ास एहतमाम किया गया है एक किताब के रिलीज़ करने का, जिसकी अभी तफसील मैं थोड़ी देर में देता हूँ आपको। ये अंजुमन साउथ एशियन लिटरेरी सोसाइटी को बने हुए तकरीबन 3 साल हुए हैं। इसका मकसद तीनों जुबानों, बल्कि चारों या जितनी भी साउथ एशिया की जुबानें हम शामिल कर सकते हैं, उनको इकट्ठा करके दो बड़े मकसद हैं। एक तो ये है कि राइटर्स की आपस में एक्सचेंज ऑफ राइटिंग्स हो सके, और दूसरा ये है कि जो हमारे साउथ एशियन राइटर्स हैं उनको यहाँ की मेन स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस किया जा सके थ्रू ट्रांसलेशंस एंड वेरियस वेज। तो ये आज की किताब हमारी उसी की एक बुनियादी ख्वाहिश है। आज हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल शुजा आलम साहब, ही इज़ दी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान कौंसलेट। और आज के जो हमारे बज़्म के जो सदर हैं वो जनाब आचार्य द्विवेदी जी हैं, और मैं आचार्य जी से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ शाहनशीन पर बैठने के लिए। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा द्विवेदी जी साहब से भी और अपनी तरफ से भी और इस तमाम अंजुमन के अराकीन की तरफ से हमारे आज के चीफ गेस्ट कौंसल जनरल शुजा आलम साहब को कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे साथ तशरीफ़ रखें। आज का प्रोग्राम दो हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से में किताब की रिलीज़ की बातें होंगी, किताब रिलीज़ की जाएगी और इसमें कुछ रिव्यूज़ होंगे। चूँकि ये 3 जुबानों में ये किताब है इकट्ठी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में, और हर एक ज़ुबान के लिए के हिस्से के लिए एक एक शख्स जो है उस पर उसकी तशरीह और तनकीद करेगा। और उस प्रोग्राम के हमारे आज के पहले हिस्से के प्रोग्राम के एमसी होंगे जनाब मलिक साहब, और मलिक साहब हमारी बज़्म के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आएं और इस बज़्म के पहले हिस्से की कार्रवाई की शुरुआत करें। जब तक वो आते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके दूसरे हिस्सा जो है उसमें शेर व शायरी की नशस्त होगी और उसके एमसी होंगे हमारे जनाब नदीम परमार साहब, और वो उस हिस्से को उस वक़्त शुरू करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।